मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का रिएक्शन है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार यह यूजफुल भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ। दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह दिन लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोविड के चलते यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेरे सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. Hello, namaskar. मैं हूँ अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रश्मि पाटिल से। डॉक्टर रश्मि पाटिल एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है। Currently, she is associated with Shree Hospital, Nagar Road, Shree Hospital, Kharadi, Orchid Hospital, CD Nursing Home, Sathe Clinic and Hospital in Pune. She has professional interest in general psychiatry, de-addiction and detoxification, treating sexual dysfunction in males and females, relaxation and stress management, psychotherapy and counseling, marriage counseling and couple therapy. Welcome to MediCircle, Dr. Rashmi Patil. Hello, ma'am. How are you today? Thank you so much. Thank you so much, Aprajita. I'm fine. Fantastic. So, jaldi se interview ke pehle prashn tak pahunchte hain, ma'am. Mera pehla prashn aapse hai, ji, ki kya adults mein bachchon ki tulna mein stress ka khatra adhik hota hai? देखिए स्ट्रेस जो है इट इज अ रिएक्शन टू आवर स्ट्रेस, लाइक हाउ आर वी रिएक्टिंग। ओके, तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान से फर्क होता है, लाइक इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड चाइल्ड टू चाइल्ड। बट यस, ड्यू टू पैंडमिक, लॉकडाउन, इन सब के चलते बच्चों में स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियरल इश्यूज बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली टीनेजर्स में, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रांजिशंस, इमोशनल इश्यूज, स्कूल शटडाउन है, फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत सारे टीनेजर्स का ये भी इशू है कि दे कैन नॉट ओपन अप विद देयर पेरेंट्स प्रॉपरली, और बहुत सारे पेरेंट्स का भी इश्यूज होता है कि दे डोंट गिव एडिक्वेट टाइम टू द किड्स, उनका सुन नहीं पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, या फिर वो अपने ही स्ट्रेस में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से एडल्ट की तुलना में बच्चों में ये स्ट्रेस की मात्रा बढ़ रही है। जी, तो मेरा अगला प्रश्न है कि पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे अपने बच्चे को स्ट्रेस से पीड़ित होते देख रहे हैं, ऐसे में क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, कुछ इस पर आप हमें जानकारी दें। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि पेरेंटिंग जो प्रोसेस होता है ये एक लर्निंग प्रोसेस है, और कोई भी पेरेंट एक परफेक्ट पेरेंट नहीं है। ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखोगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है और किस वजह से है। तो सबसे पहले जब आपको पता चल रहा है कि बच्चा स्ट्रेसफुल है, तो आप पहले पैनिक मत होइए, शांत रहिए और सोच समझ के समझिए बच्चे की सिचुएशन को कि क्या रीजन से बच्चा पैनिक हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे को टाइम दीजिए, सिट, टॉक विद देम, आल्सो लिसन टू देम पेशेंटली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ पेरेंट, और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, जैसे कि साथ में एक्सरसाइज करना, खाना खाना, खेलना, उनको अप्रिशिएट करना छोटी छोटी चीजों में। कभी कभी आप ना अपना भी उदाहरण दे सकते हो कि हम जब इस सिचुएशन में थे आपकी तरह, तो हमने उसको कैसे डील किया था, या हमने अपने पेरेंट से डिस्कस किया था या क्या किया था। तो ये सब चीजें भी आपने एज अ पेरेंट
पूछना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए उनके साथ, और उनको पॉजिटिवली एनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए. ये बहुत जरूरी है एज अ पेरेंट. एंड स्टिल यू फील दैट दीज थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग इवन इफ यू आर ट्राइंग हार्ड, देन यू शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प एज अर्ली एज पॉसिबल. बिलीव मी कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना मतलब कोई डर की बात नहीं है बच्चों को ले जाना. इनफैक्ट आपको अच्छा गाइडेंस मिल सकता है कि और आपने क्या करना चाहिए अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए, और जल्दी से जल्दी हम उस क्रिटिकल सिचुएशन से बच्चे को निकाल के एक नॉर्मल लाइफ कैसे दे सकते हैं. जी, बहुत बेहतरीन बात कही है. पेरेंटिंग वाकई इतना ना आसान काम होता है, और ना इसमें हमें पहले और आगे का कुछ हमें ऐसा कोर्स करिकुलम नहीं मिलता है, कोई एक रूल बुक नहीं है कि आप अच्छे पेरेंट किस तरह बन सकते हैं. तो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि ट्रायल एंड टेस्टेड एरर मेथड आपको अपने आप खुद यूज करना पड़ता है, और बच्चों को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए इसको भी एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि कब आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और आपको किसी स्पेशलिस्ट यानी किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है. सो ट्रू. मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या स्ट्रेस हमारे बॉडी की वेलबींग को भी इफेक्ट कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, बट मैं कहूंगी या फिर स्टडीज भी कह रहे हैं कि कुछ मात्रा में स्ट्रेस तो जरूरी है ना हमारे लाइफ में. अगर हमारे लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहेगा तो हम अपने आप को पुश नहीं कर पाएंगे. जैसा कि एग्जाम्स ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, इंटरव्यूज नहीं होंगे तो हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे. तो स्ट्रेस हमारी एबिलिटी को बढ़ाएगी, हमारे इवन मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ाएगी. जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने बॉडी को स्ट्रेस में ला रहे हैं, तो ही हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ रहा है. राइट. उसी प्रकार स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और एजेड लोगों के लिए भी, हर एक के लिए. बट स्ट्रेस कब एबनॉर्मल होता है? जब वो क्रॉनिक हो जाए, मतलब लंबे समय तक चले, और मतलब हम उसको कोप अप जब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो यस डेफिनेटली स्ट्रेस हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अवर माइंड एंड बॉडी. जिससे क्या होता है कि लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, ये सब आने लगते हैं हमारे अंदर, और हमें उदासी होती है, निराशा होती है. बहुत सारे लोग जैसे उदास और निराश नहीं फील करते तो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता. एंड दे डोंट एक्सेप्ट कि मैं डिप्रेशन में हूँ. सो लगता है कि नहीं, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है. जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट आई थी, वो बोल रही थी कि मैं जेनेटिकली मेरे फादर जैसी हूँ. मेरे फादर भी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, तो वो इनहेरिटेड मेरे अंदर आ गया है कि मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड ही हूँ. मतलब अपने अपने प्रॉब्लम को एक एक्सेप्टेंस की तरह ले लिया कि ये प्रॉब्लम ही है, ये मेरे खून में ही है, इसको मैं कोप अप करना भी नहीं चाहती. ये एटीट्यूड जब हमारे पास रहेगा तो हम स्ट्रेस नहीं कोप अप कर सकते हैं, और हमें मानसिक बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है. बट हाँ, जब मानसिक बीमारियां हमें बढ़ रही है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बॉडी पे होगा ही. अब जब हमारी बॉडी स्ट्रेस झेलेगी तो हमारे बालों से लेकर पैरों के नाखून तक जवाब देने लगेंगे, जैसे कि उसका इम्पैक्ट हेयर फॉल के थ्रू दिखेगा, फेस पे एक्ने आएंगे, एक्जिमा, आई प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर के, ओबेसिटी, वेट गेन. कोई ज्यादा खाना खाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कोई खाना खाना छोड़ देता है, स्लीप इश्यूज बढ़ जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल. मैक्सिमम लाइक 20-30% पेशेंट जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट के पास, वो साइकोलॉजिकल ही उनके रीजंस होते हैं, एसिडिटी के, या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज जिसे हम IBS कहते हैं, या अदर फॉर्म्स ऑफ जो पेट के इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें ये स्ट्रेस की वजह से होती है. और बेसिकली फीमेल्स में आर्थराइटिस होना, अनडायग्नोज पेन्स, एक्स, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, MRI करवा लिया, सब कुछ करवा, सब कुछ नॉर्मल है, बट दर्द नहीं कम होता. तो ये भी होता है कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है अंदर और हमें पता नहीं चल रहा, इसकी वजह से ये चीजें बढ़ती जा रही है और हो रही है. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि समझना चाहिए कि ये स्ट्रेस है जो हमें, या फिर हम कोई फिजिशियन या कोई और डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें वो सलाह देते हैं कि भाई आप एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखा लीजिए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि माइंड भी एक शरीर का एक पार्ट है. एक माइंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शरीर को चलाने के लिए. तो वी शुड नॉट हेजिटेट टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट. तो हमें उसको पॉजिटिवली लेके जल्दी से जल्दी हेल्प लेना चाहिए.
जी, बहुत ही इफेक्टिव बात आपने अभी कही है कि जब हम स्ट्रेस से गुजरते हैं तो कितने तरीकों से वो फिजिकली हमें मैनिफेस्टेशन अपना दिखा सकता है, कितनी चीजों को इफेक्ट कर सकता है। और ऐसे में अगर कोई डॉक्टर ये रियलाइज कर रहा है कि आपकी एक्चुअल आवश्यकता ब्रेन को ठीक करने की है रादर देन आपके फिजिकल जो चीजें होके आ रही है सामने, तो इमीडिएटली इसके बारे में तो हमें और सतर्क होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है या हमें कोई सलाह दे रहा है इस तरीके के स्पेशलिस्ट से मिलने की, तो हमें बिना झिझक, बिना किसी संकोच, बिना किसी डर भय या वहम के जाना चाहिए और इस हेल्प को लेना चाहिए। मैम, अब हमने जैसे कि जान भी लिया है कि क्या खतरे होते हैं इनसे, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं स्ट्रेस के शरीर में बढ़ने से, तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि किसी को अपने स्ट्रेस को कैसे डील करना चाहिए बिसाइड्स गोइंग टू अ स्पेशलिस्ट, जो कि एक लास्ट स्टेप है और बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप है विच दे आई एम श्योर दे शुड फॉलो, लेकिन खुद वो अपने आप को इससे कैसे डील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें प्लीज। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस जो है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। इफ वी आर अ ह्यूमन बीइंग वी नीड टू फेस स्ट्रेस, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, तो हमें उसको हैंडल करना सीखना है, ठीक है, तो उसको ताकि वो हमारे माइंड और बॉडी पे निगेटिव इम्पैक्ट ना करे। तो हमें बेसिकली हमारा लक्ष्य वहां चाहिए कि हम उसको अच्छे से कैसे हैंडल करें। तो बेसिकली दो चीजें जरूरी होती है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा होता है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेस प्रिवेंट करने के लिए हमें एक अच्छा रूटीन फॉलो करना चाहिए। जैसे कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्फ ऑन स्क्रीन, बच्चे भी स्कूल जो है लैपटॉप पे या मोबाइल पे ही देख रहे हैं, तो ऑलरेडी स्क्रीन एक्सपोजर ज्यादा है। और फ्री टाइम में भी हम जो है वेब सीरीज और सोशल नेटवर्किंग ये सब करने से हमारा टाइम स्क्रीन में ही ज्यादा स्पेंड होता है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं हो पाती। ईदर पीपल गेट प्रॉब्लम इन इनिशिएटिंग स्लीप और मेंटेनिंग द स्लीप, और सम पीपल दे स्लीप फॉर 8 to 10 hours स्टिल दे फील कि दे आर नॉट फ्रेश इन द मॉर्निंग। तो इसे हम नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप बोलते हैं कि 8 घंटे के सोने के बावजूद भी हमें लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई है। इसीलिए हमें सोने और उठने का टाइम फिक्स रखना चाहिए। एटलीस्ट 2 घंटा पहले हमें स्क्रीन को शट डाउन करना चाहिए इन एनी फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल बंद कर दे तो टीवी देखे या लैपटॉप देखे, बिकॉज लैपटॉप हो या टीवी हो इट एमिट्स वेरी ब्राइट लाइट, जिससे आपका स्लीप हार्मोन जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप हैम्पर होती है। और जब अगर यदि आप सुबह जल्दी उठोगे या फिर एक फिक्स टाइम रखोगे तो आपका सन एक्सपोजर भी बढ़ेगा। जैसा कि आप सुबह उठोगे तो थोड़ा सा आप बाहर वॉक पे निकल जाइए या फिर थोड़ा अपने आपको सनलाइट में लाइए ताकि आपको विटामिन डी मिले, बिकॉज आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी इज बिकमिंग अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और उसकी वजह से भी काफी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अनडायग्नोस्ड पेन्स नजर में आ रहे हैं लोगों में। तो इसीलिए जो मॉर्निंग का सनलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू गेट विटामिन डी नेचुरली, तो हमें ये भी फॉलो करना है। अब जब हम सोने उठने का टाइम फिक्स रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समय पे भूख लगेगी, तो हम अपना डाइट भी हेल्दी रखेंगे, तो टाइम टू टाइम भी हमें रखना है, हेल्दी लेना है, मतलब जंक फूड वगैरह रेगुलर इंटरवल्स पे अवॉइड करना है, और वंस इन अ वीक वगैरह हम ले सकते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है। बाकी एक मेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे इंसान स्ट्रेसफुल होता है दे फाइंड इजी वेज टू डील विद द स्ट्रेस, जैसे कि अल्कोहल ले लिया, सिगरेट ले लिए, या फिर टीवी के सामने बैठ गए, या फिर अननोन लोगों से चैटिंग करने लग गए, अकेलापन महसूस हो रहा है, रैंडम फ्रेंड्स बना लिए, यू नो सेक्सटिंग करने लग गए। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्पररी तो रिलीफ मिल रहा है इन सब चीजों का, बट लॉन्ग टर्म में हमारा स्ट्रेस जो छोटा था वो बड़ा हो गया, मतलब वो प्रोलॉन्ग हो गया, मतलब हम अपनी ओर से ही अपना स्ट्रेस को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें वो भी समझना चाहिए कि कॉन्शियसली कि हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं। अल्कोहल, सिगरेट्स, डोंट यूज देम टू मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए नहीं लेना है हमें वो। और जैसे कि स्लीपिंग पिल्स का भी यूज होता है बहुत जगह की, नींद नहीं आ रहा है तो नींद की गोलियां ले ली, तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करना है हमें, ताकि हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सके। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज में हो तो 20% आपको
मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि नेचुरल एंटी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं माइंड से, जिसका नाम होता है एंडोर्फिन, एनकेफालिन, जो हमें नेचुरली फील गुड इफेक्ट देता है और हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल और पेन्स एक्स को भी हमें ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज जरूर करिए, 15 मिनट से तो शुरुआत कीजिए, बिकॉज जैसे ही पेशेंट्स आके मुझे बोलते हैं, डॉक्टर हाँ मुझे जिम लगाना है बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है तो जिम ही लगाना है। आप 15 मिनट वॉक से शुरू करो, अगले हफ्ते उसको 20-25 मिनट करो, फिर आधा घंटा करो, फिर धीरे धीरे ब्रिस्क वॉकिंग पे जाइए, फिर धीरे धीरे जॉगिंग करिए, फिर आपका स्टेमिना बढ़े तो जिम भी लगाइए। बट जिम करेंगे तो जिम में ही करेंगे, नहीं तो हम उठेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर हमें एक्सट्रीम जो होता है हमारे एक्सपेक्टेशन, सही बात, तो उस पर भी ध्यान देना है कि एक्सरसाइज का भी एक तरीका है, फिजिकल एक्टिविटी भी जैसा होती है हमें घर के काम करना, इसमें भी हमारा बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी में भी हमारा एक्सरसाइज हो सकता है। स्टेयर्स चढ़ना इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, ये सब चीजें भी हम नॉर्मल रूटीन में कर सकते हैं टू कीप आवर सेल्फ फिट। जी बिल्कुल। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का बहुत साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। मैनी पीपल से कि यार मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ डॉक्टर, जैसे ही मैं मेडिटेशन को बैठती हूँ मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो वो मुझे लगता है मेडिटेशन मेरे काम की चीज नहीं है। डेफिनेटली मेडिटेशन का एक अपना साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। जब आप बैठोगी मेडिटेशन को तो आप थॉट फ्री हो जाओ, ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मेडिटेशन से आप क्या सीख रहे हो, हाउ टू रेगुलेट योर थॉट्स। मतलब एक वाइल्ड मंकी है अपना मन, जो कहीं भाग जाता था और हमें उसे ढूंढना पड़ता था, अब हम मेडिटेशन के जरिए उसके गले में एक चेन बांध रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बंदर उछलेगा नहीं, वो इधर भागेगा फिर उसको टाइट फील होगा फिर वापस आएगा, फिर इधर भागेगा वापस आएगा, मतलब अभी भी मन भाग रहा है बट कंट्रोल में। तो मेडिटेशन आपको माइंडफुलनेस के लिए भी हेल्प होता है, क्योंकि मैं तो बोलूंगी अगर पेशेंट्स आते हैं तो मोर देन 98% पेशेंट यही बोलता है, डॉक्टर मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होता है, मैं अपने थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर पाता या कर पाती, ये हर एक पेशेंट बोलता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, वी आर नॉट माइंडफुल, ईदर वी आर इन पास्ट, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने मुझे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, और वी आर इन फ्यूचर, ये होगा क्या नहीं, ये मैं कर पाऊंगी क्या नहीं, या मेरा इस हिसाब से सब सेटल होगा क्या नहीं। तो हम प्रेजेंट में ही नहीं है, हमें प्रेजेंट में रहना सीखना है। हम प्रेजेंट में नहीं है इसलिए हम स्ट्रेस को अधिक मात्रा में फेस कर रहे हैं। स्ट्रेस तो पहले जमाने में भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, बट पहले लोग भूल जाते थे अपने बच्चों में, अपने घर में या जो भी चीजें होती थी वो डील कर लेते थे, हाँ ऊपर वाला देखेगा, हमें कुछ पड़ी नहीं है। जैसा बच्चों को 10-10 बच्चे भी होते थे उनको टेंशन नहीं होता था, अभी तो एक बच्चा रहेगा तो भी पेरेंट्स को इतना स्ट्रेस होता है कि बाप रे हम कैसे मैनेज करेंगे उनका एजुकेशन, उनके सब जो भी ड्रीम्स है हम कैसे पूरे कर पाएंगे। मतलब हमारा रिएक्शन देखो स्ट्रेस पे कितना बढ़ रहा है, तो उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को कि कौन सी चीज को हम कितना बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम वो चीज में अगर नहीं फोकस कर पाए तो हमारे ओवर थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ओवर थिंकिंग बढ़ेगा हमारा मन उदास हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आते ही उदासी आएगी, उदासी आते ही हमारा एनर्जी लेवल एकदम कम हो जाएगा, हमें उठना नहीं है, घर के काम नहीं करने हैं, एक्सरसाइज नहीं करना है, बच्चों के साथ बाहर नहीं जाना है, फिर हम एक आइसोलेशन में चले जाते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरी वाइफ आती ही नहीं है, रूम में ही रहती है, किसी से बात नहीं करती है, या भाई हमारा लड़का है रूम में ही अपने क्लासेस करता है, बाहर बुलाओ तो चिड़चिड़ करता है। मतलब आप आइसोलेशन में चले जा रहे हैं, एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग पर्सन डज इन आइसोलेशन इज ही और शी स्टार्ट्स थिंकिंग। मतलब फिर से आप वो विशेष साइकिल को अपने प्रोवोक कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, लो मूड, लो एनर्जी, आइसोलेशन, मतलब यू आर लर्निंग हेल्पलेसनेस, दिस इज कॉल्ड एज लर्नड हेल्पलेसनेस, एंड समवेयर यू फील बेटर इन दैट मोड ओनली, आपको उसी में अच्छा लगने लगता है कि नहीं मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये चीजें हम अपना स्वभाव ही ऐसे बना रहे हैं। देखिए आया था तो एक स्ट्रेस, बट जा रहा है हमें एक बीमारी देके। सही बात है, बहुत ही ज्यादा अपने ये तो अपने हाथों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज कर रहे हैं हम। जी बहुत ही सही बात आपने बताई। जी
हाँ, और एक और भी चीज होती है प्राजिता की, जैसे लोगों को स्ट्रेस आता है तो वी आर बिजी इन फाइंडिंग द रीजंस कि हाँ सास ने ऐसे बोल दिया, या हस्बैंड टॉर्चर करता है, या कलीग्स परेशान करते हैं, ऑफिस में बहुत प्रेशर है। मतलब हम अपना जो स्ट्रेस है उसको एक्सट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं कि इनकी वजह से हुआ, इस सिचुएशन की वजह से हुआ, ये इंसान मेरे साथ है इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। तो कुछ कुछ लोग यू नो, मैं जो कुछ कुछ पेशेंट्स देखती हूँ जो मेरे पास बैचलर लाइफ से आते हैं, मतलब तो बैचलर लाइफ में भी वो स्ट्रेसफुल थे, जब मैरिज हुआ तब भी वो स्ट्रेसफुल थे, और अब डिवोर्स होने के बाद भी वो स्ट्रेसफुल है। मतलब मैं उनको वही पूछती हूँ कि मतलब स्ट्रेस है कहाँ? स्ट्रेस इसका मतलब आपके अंदर है, आपके अंदर है, बाहर सो नहीं है, ट्रू। हम उसको एक्सटर्नल आपके चीजों को माध्यम बना रहे हैं कि अंदर। वो हमें उसके थ्रू आ रहा है, एक्सक्यूजेस देख रहे हैं, जबकि हाँ हम बराबर डील है, नहीं कर हम पा रहे हैं स्ट्रेस को। हील नहीं कर पा रहे। तो मैं ऐसे कंडीशन में एक एग्जांपल देती हूँ अपराजिता पेशेंट को, कि आपको भी मैं वही एग्जांपल दूंगी कि समझिए कि हम दोनों चाय पी रहे हैं और मैंने आपके ऊपर चाय गिरा दी। आपको पता है मैंने इंटेंशनली गिराई, और आपके कपड़े गंदे हो गए, सब स्टेन लग गया, तो अब आप क्या करोगी, आप बताइए। वाओ, ये टेस्ट है मेरा। मैं तो नॉर्मली ऐसे कंडीशन में कंटिन्यू करती हूँ कन्वर्सेशन, क्योंकि जो होना था वो हो गया, आई कांट हेल्प इट नाउ। सो वो मैं घर जाकर के ही चेंज कर सकती हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ। बराबर है, पर क्या आप मुझे बोलोगे कि नहीं आपने गिराया जानबूझ के, तो आप मुझे साफ करके दो? सोचू, मैक्सिमम लोग यही कहेंगे शायद, चलो अभी ड्रेस हाँ। बदलो। यस। तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना, भले ही हम गुस्सा होंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप मुझे बोलो कि डॉक्टर मैं तो आपसे प्यार से बात करने के लिए आई थी ना, आपने ऐसे क्यों किया, आप बिल्कुल, मुझे एक बार तो पूछोगी, हाँ एक बार हो सकता है। पर यस आप हाँ, और फिर आप अपनी ओर से अपना ड्रेस क्लीन कर लोगी, या फिर उसको धो लोगी, या घर जाके चेंज कर लोगी, बिल्कुल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगी, आप मुझे नहीं बोलोगी कि आप मेरा ड्रेस क्लीन करके दीजिए। जैसा हम ऊपरी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं ना, वैसे हमें माइंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, कि वो किसी सास ने डाला होगा नेगेटिविटी, या हस्बैंड ने, या किसी फ्रेंड ने, या किसी कलीग ने, जी जो नेगेटिविटी अपने अंदर आ गई है उसी की सफाई तो हमें ही करनी है ना, भले ही उन्होंने इंटेंशनली किया हो। हाउ ट्रू, कितनी सही बात आपने कही, और कितने आसान से एग्जाम्पल के थ्रू आपने ये बताया है। सच बात है, करना तो हम ही को है। है ना, वो हम नहीं करते, हम क्या बोलते हैं यार, मदर इन लॉ को अलग कर दो तो मैं शायद खुश रहूंगी, या मैं डिवोर्स ले लूंगी मेरे हस्बैंड से तो मैं खुश रहूंगी, ये हम मतलब। और फिर पता चलता है जी कि जब तुम सेपरेट होने के बाद भी देखते हो कि नहीं, मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को फोन करके कुछ तो भरती है, और फिर मेरा हस्बैंड मेरे से अजीब बिहेव करता है, मतलब सेपरेशन के बाद भी देखो स्ट्रेस कहाँ कम हुआ, हाउ ट्रू, ऐसा हाउ है। ट्रू, तो ये बिल्कुल। चीजें होती है, तो ये चीज में हमें ध्यान देना है, वेदर एज अ कपल और इन एनी रिलेशनशिप डिफरेंसेस आती ही है, व्हेन टू पीपल आर स्टेइंग टुगेदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होगी ही, विच माइट लीड टू एन आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट कॉन्फ्लिक्ट यू शुड वर्क ऑन रेजोल्यूशन, कि उसको रिजोल्व करो, बैठो, बात करो, डिस्कस करो, अपोलोजाइज करो, और सामने वाले का भी सुनो, और उसको रिजोल्व करोगे तो स्ट्रेस पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैंडल करने में इजी हो जाएगा, और वो स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को आप रेजोल्यूशन के बजाय अगर ग्रज में कन्वर्ट करोगे ना, तो वो इरिवर्सिबल डैमेज देगा आपको, देन दैट मिजरी विल नेवर एंड, और वो हमेशा हमारे साथ कैरी करते रहेंगे। बहुत सारे पेशेंट हमें बोलते हैं ना कि 10 साल पहले हुई चीजें भी मुझे याद आती है तो मुझे एंजाइटी होता है, पैनिक अटैक होता है। मतलब देखिए, आप हो वो ही चीज से सकता है, जी बाहर बिल्कुल, हो, हाँ आप स्ट्रेस में नहीं हो अभी, बट वो चीजें अभी भी कितनी सुन करके फ्रेश है एजिटेट हो रहे हैं आपके आप, आप याद अंदर। करके एजिटेट हो रहे हो। हाँ, याद कर रहे, मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग दैट वुंड टू हील, यू आर कंटिन्यूअसली स्क्रैचिंग दैट वुंड, सो द वुंड इज गेटिंग डीपर एंड डीपर। मतलब वुंड को हील होने दोगे तो वहां एक स्कार रह जाएगा, और स्कार को देख के हमेशा याद रहेगा कि इस वजह से मुझे यहाँ पे इंजुरी हुई थी, बट वो पेन नहीं देगा जब वो हील होगा। वैसे ही हमारी मेमोरीज है, लोग जब साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि डॉक्टर मुझे ऐसी दवाई दो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं,
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. दोज आर योर मेमरीज, यू कैन नॉट फॉरगेट दोज थिंग्स. तो जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो हमें जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी हमें एक नॉर्मल रख के आने हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं है कि आप जब बाहर निकलोगे तो एक डिफरेंट इंसान बन के निकल जाओगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. अल्टीमेटली आप ही को काम करना है. तो लाइफस्टाइल और इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हमें स्ट्रेस के लिए मैनेज करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस में हमें ये जानना चाहिए अपराजिता कि हमें थोड़ा सा अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाना है. अभी आप देखोगी ना कि कोई किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहता. अभी पेशेंट intolerance, yes, intolerance has been the word in the news everywhere, but this is so true. People have become so intolerable. हम छोटी से छोटी बात पे तुरंत defensive हो जाते हैं, offensive हो जाते हैं. अभी आप देखोगे कि अगर वो रेड सिग्नल ग्रीन हो जाए और सामने वाले को अगर कुछ सेकंड लगे आगे बढ़ने के लिए भी तो पीछे से हॉन्किंग शुरू हो जाती है. बिल्कुल सच्ची बात कही आपने. मतलब मुझे लगता है रोड रेज का तो रीजन ही यही है, आदमी आगे वाले को स्लो बोल रहा होता है और पीछे वाले को बोल रहा होता है बड़ी आग लगी है. बराबर है. तो ये चीज है कि हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है. टॉलरेंस नहीं है तो छोटा स्ट्रेस भी बड़ा दिखाई दे रहा है हमें. जब छोटी चीज बड़ी दिख रही है तो हमें लग रहा है कि हम ही एक इंसान है जो परेशान है, बाकी लोग कितने खुश है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं, निगेटिवली अपने आप को ऑटो सजेशन दिए जा रहे हैं कि मैं ही अनलकी हूँ, मैं ही नहीं कर पाता. एंड मैक्सिमम पीपल यू नो दे रियलाइज कि दे आर एट फॉल्ट, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम, दे रिमेन इन गिल्ट कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या मेरी वजह से ये सब हुआ. अगेन आई टेल देम गिल्ट इज द बिगेस्ट बैरियर फॉर इम्प्रूवमेंट. अगर आप गिल्टी फील करोगे ना तो आपको रियलाइजेशन होगा, बट आप कुछ दिनों बाद सेम मिस्टेक रिपीट करोगे और आप फिर गिल्ट फील करोगे. गिल्ट एक फीलिंग होनी चाहिए, एक कैरेक्टर नहीं. एक फीलिंग है कि मुझे मैंने गलत किया, उसको सुधारो, एनालाइज करो प्रॉपरली, इंट्रोस्पेक्ट करो कि ये गलती मेरे से हुई है, किस वजह से हुई है, इसको मुझे किस तरीके से रिपीट नहीं करना है. तो उस तरीके से अगर आप रहोगे तो गिल्टी फील नहीं करना चाहिए. गिल्टी फीलिंग अगेन आपको आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी. उस चीज का भी ध्यान रखना है. जी डॉक्टर, मुझे लगता है मैम अब ये तो एक ऐसा विषय है जो अंतहीन है. हम इस पे हर पर्सनल अगर इशू को लेने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हम हर तरीके के स्ट्रेस को कैसे डील किया जाए इस पे तो अंतहीन विषय है ये. और अगर हमें ऐसा सुनहरा मौका मिलता रहा तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को तो मुझे कई घंटों में भी पूरा करना मुश्किल होगा. तो आज आज आपने अपना इतना अमूल्य वक्त दिया, हमारे संग इतनी अच्छी बातें करी और खासकर ऐसी एनालॉजीज दी हैं, इतने रोचक एग्जांपल आपने दिए हैं जो मुझे लगता है कि हमारे सभी मेरी सर्कल से हमारे जितने भी ऑडियंस जुड़ी हुई है, जितने लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, वो सभी कुछ ना कुछ टेक अवे ले जा रहे हैं. और बहुत ही ऐसे कमाल के टिप्स भी आपने दिए जिससे हम अपने आप को थोड़ा एफिशिएंट कर सकते हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड यू नो शेयरिंग ऑल योर इनसाइट्स विद अस एट मेरी सर्कल. इट वाज रियली अ प्लेजर मैम टू हैव यू टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.